हम जनता के मुद्दों को सदन में भी रखेंगे और बताएंगे कि सरकार के भ्रष्टाचार के चलते किस तरीके से पटना को नाले के पानी में डुबा दिया गया, कई एक लोगों का रोजगार छीन लेने वाली ये सरकार, हम बताएंगे। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं और एक लड़ाई देश के कैसे तानाशाह के साथ है, जो युवाओं का रोजगार छीन रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, जो देश में दंगों का माहौल बना रहा है। महागठबंधन के स्वास्थ्य पे एक सवाल जरूर होगा कि जिस तरह से आप लोगों ने फ्रेंडली फाइट, हालांकि लड़ाई कह रहे थे आप लोग, मगर लड़ाई तो आर पार की थी दोनों के बीच में, आप हार तो गए हैं ना? हम स्वीकार, देखिए इस चीज़ को स्वीकार करने में कहीं से कोई परहेज नहीं है, हम हारे हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी साफ है कि घी दाल में गिरे या दाल घी में गिरे, रहता दाल और घी एक ही साथ है, जीत हमारी है। तो नहीं ना सके इसका मन मुटाव आगे रह जाएगा। मैंने आपको क्या कहा, हमने नाथनगर हार गई है राजा, हमने पूर्व में भी कहा और मैं फिर कह रहा हूँ कि दाल घी में गिरे या घी दाल में गिरे, दाल और घी एक ही होता है। मुकेश सहनी तो बच सकते हैं सर बख्तियारपुर में, अगर आपने तो जो वोट काटे हैं उसे हार हुई। मैंने आपको क्या कहा कि चीजें साफ है, महागठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं और एक लड़ाई देश के कैसे तानाशाह के साथ है, जो युवाओं का रोजगार छीन रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, जो देश में दंगों का माहौल बना रहा है, हम उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं और एक निर्णायक लड़ाई होगी, महागठबंधन मजबूती से आगे बढ़ेगा। सर रिजल्ट तो बड़ा लाजवाब सा अजीब सा है, मगर एक इसमें बड़ी बात यह हो गई कि एमएम को एंट्री बिहार में कल मिल गई, एमएम जाएगी किधर, क्या आप लोगों की तरफ है कुछ? देखिए एक चीज है, ये बिहार के लिए खतरनाक है। देखिए एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है, वैसे ही उनके एजेंट के तौर पे अवैसी साहब भी उसी तरह की राजनीति करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से देश की एकता सद्भावना के लिए ठीक नहीं है। आपकी तरफ कोई गुंजाइश नहीं है? मैंने आपको कहा ना कि हम ऐसे तमाम तत्वों से जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे गिरिराज सिंह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी अमित शाह जी हो या अवैसी साहब हो, देश की वो तमाम ताकतें जो देश तोड़ने की बात करती है, देश के हर नागरिक को चाहिए कि वैसे लोगों का विरोध करें। आप धर्म के भाजपा को रोकने के लिए आप लोग एक साथ नहीं आ सकते? मैंने एक लाइन में कहा ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए क्या हम दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला लेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के लोग नहीं है कि सत्ता के लिए हम वो किसी के गोद में जाके बैठ सकते हैं। वो जब आपने देखा था कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में उन्होंने एक आतंकवादी को टिकट देकर चुनाव लड़ाया, भोपाल से उन्होंने एक ऐसी महिला को सांसद बना दिया है जो शहीद हेमंत करकरे को गाली देती है और मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी रही है, कई सालों तक जेल में रही और आज देखिए सांसद बन के बैठी है। आतंकवादियों को सांसद बनाने वाले लोग अब हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक मैंने आपको पूर्व में भी कहा और मैं अभी भी कह रहा हूँ, देश की एकता और अखंडता हमारा पहला एजेंडा है और हम उसी एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं। कालीन सत्र में आप लोगों का संख्या बढ़ गया है महागठबंधन का, नीतीश जी पर भारी पड़िएगा? देखिए नीतीश जी पर हम भारी नहीं पड़ेंगे, हम जनता के मुद्दों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। भारी पड़ना और कम पड़ना ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन जो पटना की स्थिति आपने बनाई, जो राज्य की स्थिति आपने, वो मुद्दे हैं और विपक्ष की जवाबदेही होती है कि सदन से लेकर के सड़क तक जनता के मुद्दों को रखे। हम जनता के मुद्दों को सदन में भी रखेंगे और बताएंगे कि सरकार के भ्रष्टाचार के चलते किस तरीके से पटना को नाले के पानी में डुबा दिया गया, कई एक लोगों का रोजगार छीन लेने वाली ये सरकार, हम बताएंगे। हम सरकार को घेरेंगे कि आपने बिहार को जो शांति की धरती कही जाती है आपने दंगे की धरती बना दिया, हम इस मामलों को लेकर के घेरेंगे। आखिरी सवाल सर है मेरा, महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा आने वाले 2022 के चुनाव में, और सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या आपके CM कैंडिडेट कौन है? हम लोग बैठक कर रहे हैं और बैठक करने के बाद सबसे पहले आपको बताएंगे कि हमारे CM कैंडिडेट कौन होंगे। आप महागठबंधन रहिएगा पूर्ण रूप से, हैं महागठबंधन कहाँ टूटा है, हम महागठबंधन के साथ हैं, हम अपनी बातों को लेकर आगे बढ़े, जनता के जो मुद्दे हैं उस मुद्दों को महागठबंधन हमेशा उठाती रहेगी। मुख्यमंत्री के लिए मीटिंग होनी है अभी CM, जल्दी से हम लोग बैठ के तय कर लेंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठेंगे और बैठ के तय कर लेंगे। जहाँ एक तरफ VIP ये बात कल तक कह रही थी कि तेजस्वी की हार में उनकी जीत है, आज ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि ये महागठबंधन की जीत है और ये नीतीश कुमार की हार है, बड़ी हार हुई है। नीतीश कुमार ने पूर्व में भी कहा था कि अगर ये झांकी है तो आने वाले 2020 के चुनाव भी इसी हिसाब से होंगे। अब अगर ये झांकी वाकई तौर पे है और इसी हिसाब से आने वाले चुनाव होना है, तो एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार का बिहार से विदाई तय लग रहा है। बने न्यूज़ बिहार पर, खबरें लगातार जारी रहेंगी और हाँ, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ये खबरें आपको जहाँ रहिएगा वहाँ मिल जाया करेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
8167 00। धन्यवाद।